हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या आईडी लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आईडी ले सकते हैं। केवल उत्तर प्रदेश नहीं और भी राज्यों में ये जेन्यून है। तो दोस्तों हम बता दें, इस पेज का वैसे डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है आपको जनरल पब्लिक साइन अप, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर बर्थ के अप्लाई करने का यहाँ पर तरीका बताया गया है कि आप 21 दिन के अंदर अंदर अगर अप्लाई करते हैं तभी आप इसमें बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है। तो आपको यहाँ पर आपको पहले आए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यूजर नेम आपको बनाना पड़ेगा। जो भी आप यूजर नेम मेंशन करना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं। इसमें आप अपना नाम और उसके साथ डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करना है और उसके बाद आपको डेट ऑफ इवेंट आपको मेंशन करना है। तो डेट ऑफ इवेंट आप मेंशन देख सकते हैं, आपका यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पर 21 दिन का पीछे का ही डेट ही मेंशन करने के लिए ऑप्शन में आएगा, तो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहा है कि 21 दिन के अगर ऊपर हो जाएंगे तो उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई किया जाए, इसका भी हम तरीका बताएंगे। लेकिन आपको लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आपको यहाँ पर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाता है सब डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील का, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे विलेज एंड टाउन जो भी आपका लगता है आपको मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों रजिस्टर पे क्लिक करते हैं इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आप अब यहाँ पर एक्टिवेशन आपके मेल आईडी और मोबाइल मेल आईडी पर भेज दिया गया है, यूजर आईडी यहाँ पर भेज दिया गया है। आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, जो भी आपकी मेल आईडी आपने मेंशन की थी उस मेल आईडी को ओपन कर लेना है दोस्तों, और आपको यहाँ पर मेल आईडी मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी पर एक लिंक भेजी गई है, आपको क्या करना है दोस्तों मेल आईडी को ओपन करना है। पहले चलिए मैं मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ मोबाइल में, आपको जो भी तरीका करूँगा हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हमारा यूजर आईडी शो होता है और यहाँ पर आपको शो होता है एक क्लिक हेयर का बटन मिल रहा है, तो उस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं दोस्तों एक ब्राउजर ओपन करने के लिए कहा जाता है, हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन होगा उसके बाद एक QR कोई भी आपका यहाँ पे क्रोम या तो कुछ कोई भी जो भी आपका अटैच होगा उससे आपका ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ यूजर आईडी से होता है, यूजर आईडी जो भी आपके मेल आईडी पे आई है वो फिल कर लेंगे और उसके बाद एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड को बताया गया है कि किस तरीके का होना चाहिए, कि जैसा कि बताया गया एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और उस साथ में आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद एक कैप्चर शो होता है, कैप्चर को फिल करके उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। हमने जैसे ही पासवर्ड और कैप्चर फिल किया उसके बाद हमारा यहाँ पर पासवर्ड हो चुका है रीसेट और यहाँ पर रेड कलर का ऑप्शन आ जाता है कि पासवर्ड सक्सेसफुली आपने पासवर्ड बना लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी यूजर आईडी आपको मिलती है, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर यूपी लिखेंगे और उसके बाद जो भी आप मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, चलिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो भी कैप्चर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वो फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर फिल कर जो भी पासवर्ड आपने बना रखा था पासवर्ड फिल कर लेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चर हो रहा है कैप्चर फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको डेथ बर्थ जो भी अप्लाई करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एड बर्थ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप बर्थ किसी भी कैंडिडेट का अप्लाई कर सकते हैं, उसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं जो 21 दिन का अंदर का होगा। और यहाँ पर बताया गया है अगर डेट अप्लाई करना है तो डेट के लिए भी आपको बताया गया है 14 दिन के अंदर अंदर अगर आप इस पे रिपोर्ट करते हैं तो आपका जो है डेट सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है और आसानी से बन जाता है। तो दोस्तों अगर आपको डेट सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कराना है जो
18 साल जो 21 दिन से ऊपर हो चुके हैं या 14 दिन से अधिक ओल्ड हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं पहले के, उन कैंडिडेट का डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करवाना है। तो किस तरीके से आपको डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कराएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो है ब्लॉक पे जाना पड़ेगा। ब्लॉक में जा कर के आपको उनसे हाथों द्वारा जो है आपको क्या करना है, डेथ सर्टिफिकेट आपको अप्लाई कर लेना है या बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करवा लेना है। क्योंकि दोस्तों क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट केवल आप जो है 21 दिन के अंदर अंदर का कैंडिडेट का अप्लाई कर सकते हैं, उससे ऊपर का नहीं। क्योंकि ये जो है प्राइवेसी हमको नहीं दी गई है, ये सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनकी प्राइवेसी दी गई है। तो यहाँ पर पहले आपको ऑफलाइन जो है बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करवा लेना है, उसके बाद ही आप जो है ऑनलाइन कराएंगे, वो भी सरकारी चिकित्सालय से, जिससे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, अगर आपका कैंडिडेट की मृत्यु आपका 1 साल 2 साल 10 साल पहले हुई है, तो उसका भी डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करवा सकते हैं। और अगर आप डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट 21 दिन के पहले का बनवाना चाहते हैं, ऊपर का बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अप्लाई इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैब ब्लॉक या आपको जो भी है आप वहाँ पर विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको अप्लाई करके दे दिया जाता है।